हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। दोस्तों, जोड़ों के दर्द से सारे परेशान और खास करके जो कोरोना का हमारे लिए गिफ्ट है वो है कि हमारा शरीर को ऐसा पूरा मरोड़ चुका है, ऐसा बुरा हालत पहुंचा चुका है कि हम घर बैठ के हमारा जो मसल्स, हमारा जो जॉइंट है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सारे वीक हो चुके हैं। इससे बचने का क्या रास्ता है और इजी वेज क्या हो सकता है जो आप घर में कर सकते हो, ये मैं आज बताने वाला हूँ। आपको ऐसा टिप्स बताऊँगा कि जो अपने जीवन में हर रोज हर लम्हा परेशान है दर्द से, घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से, एंकल के पेन से, सर्वाइकल पेन से, हर पेन उसका दोस्तों दूर होगा और इजीली वो कर सकता है ये काम। ये एक प्रयोग है, आप जरूर करिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कह रखूं कि ऑनलाइन अमेजन से मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, जो 2500 टिप्स से भरा हुआ है और 600 पेज की किताब है, जरूर उसको मंगाएं। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये सारा बाई रिटिन फोटो के साथ, कलरफुल फोटो के साथ दोस्तों किताब में है और ऑनलाइन अमेजन पे दोस्तों अवेलेबल है। वहाँ से मंगाइए, घर में हेल्थ डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक में दौड़ ना लगाना पड़े और अननेसेसरी दिन भर में इतने सारे दवाई इनटेक ना करना पड़े। यह है दोस्तों हिंदी वाली किताब, और जिसका मैं अंदर का हिस्सा एक बारी खोल के आपको दिखाता हूँ। कितना प्यारा किताब है दोस्तों, किस तरीके से इसको बनाया गया है, ये थोड़ा देखें समझें, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक्यूप्रेशर किस तरीके से पॉइंट्स वगैरह बताया गया है, क्या क्या बीमारी है ठीक होती है वो बताया गया है, ये हाथ का सारा पॉइंट कैसे बताया गया, देखो ये सारा डिज़ाइंड है। और 10 ईयर्स लग गया दोस्तों इस किताब को हमें कंप्लीट करने में, तो इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। तो ये था दोस्तों हिंदी, और ये है आपका अंग्रेजी किताब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का प्रयोग आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला बात है, अगर आप किसी भी चेयर में बैठे हो और आपके सामने अगर एक टेबल है, इसमें एक प्रयोग आपको करनी है। जो हमारी शक्ति, जो हमारी एनर्जी है, उसका एंड जो होता है दोस्तों, ये सारे उंगलियों में है, पैर में भी है और हाथ में भी। तो आपको हाथ का प्रयोग कैसे करनी है ना, इसको आपको ऐसे रख के इसका प्रेशर आपको टेबल के ऊपर बढ़ानी है, दबानी है, जितना आप सह पाओगे उतना ही दबानी है और कंसंट्रेट करनी है। ये जब आप इसको दबा के रखते हो ना, पूरा एनर्जी जो है आपका वो सेंट्रलाइज होता है और शरीर के हर जॉइंट तक आपका सूक्ष्म एनर्जी पहुंचता है दोस्तों। देन रिलैक्स्ड 5 से 10 सेकेंड ओनली रखना है, फिर से करना है दोस्तों। करके देखोगे प्रयोग, एक हफ्ता कर लो, आप देखो आपको कितना फ़ायदा होता है। रीढ़ की हड्डी सीधा रख के दोस्तों चेयर में बैठ के आपको करनी है, ये आपको प्रेशर देनी है, फिर रिलैक्स्ड होनी है। ऐसे दोस्तों आपको 10 टाइम्स पहले करनी है, 10-10 सेकंड के 10 टाइम्स आपको करनी है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वो पॉइंट को फिर आपको इस तरीके से स्टिमुलेट भी करनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, इस तरीके से इस हाथ में भी। देन आफ्टर फिर से आपको टेबल के ऊपर प्रेशर बनानी है, इस तरीके से प्रेशर बनाएं। अगर आपके उंगलियों में, जोड़ों में जो दोस्तों दर्द है, तो आप थोड़ा लो प्रेशर दें, अगर दर्द नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दें। ऐसे भी हमारी साइनस के पॉइंट भी दोस्तों, जो ठंडा वगैरह है, कफ, ये सब को ख़त्म करने के लिए ये पॉइंट सारा होता है एंड में, उसका भी लाभ होती है दोस्तों। क्योंकि बात पित्त कफ, हमारे शरीर को जब बैलेंस करोगे तभी दोस्तों बात बनती है। तो ये देखो, ये जो दबाव डालोगे इससे आपका वो बैलेंस होगा, आपका तीनों तत्व आपका बैलेंस हो जाएंगे, बात पित्त कफ जो दोष होता है वो बैलेंस्ड होगा और ख़ास करके कफ आपका कम हो जाएगा, ये दबाव रखना है। इससे आपको साइनसाइटिस, ब्रंकाइटिस, अस्थमा का प्रॉब्लम बिल्कुल दोस्तों खत्म होगा। टन्सलाइटिस खास करके जिनको गले में हमेशा खराश रहती है, और ख़ास करके ये कोरोना टाइम में तो जरूरी है जानना दोस्तों, ये दबाव डाले फिर रिलैक्स किए। जब चाहते हो तो इसके बाद थोड़ा हाथ ऐसे मुट्ठी मुट्ठी भी दोस्तों कर सकते हो 5-7 बार, फिर से दबाव डालो, फिर से ऐसे मुट्ठी करो, फिर से दबाव डालो, फिर से मुट्ठी करो, ऐसे 10। तो टोटल 3 राउंड दोस्तों आपको करना है
आपको 100 × 3 इक्वल टू 300 सेकेंड्स आपका हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एंड में आपको लास्ट में ये पांचों उंगलियों को आपको जोड़ना है, एक मुद्रा बनानी है, ये वाली मुद्रा पांचों जोड़नी है, पंच तत्व को बैलेंस करना है, पांचों तत्व यहाँ पे हैं आपका सारा, यहीं पे आपको बैलेंस करनी है। तो इस तरीके का मुद्रा बना के आपको बैठना है 10 सेकेंड्स, उसके पहले थोड़ा उंगली वगैरह को फ्री करने के लिए थोड़ा मूवमेंट कर ही लीजिएगा, देन ये मुद्रा बनाइए और शांत चित होकर दोस्तों बैठिए, सांस गहराई से अंदर लें, गहरी सांस लें, इस मुद्रा पे रहिएगा। ये मुद्रा जो है आपका जॉइंट मसल्स नर्वस सिस्टम सब पे दोस्तों काम करेगा, कहीं पे कोई भी दर्द है वो सारे दर्द आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, क्रोनिक पेन इस मुद्रा से दोस्तों ठीक होगी, क्रोनिक पेन। मगर करने का विधि वही है, पहले ये दबाव डालोगे 10 जैसे बताया हूँ, उसके बाद लास्ट में आपको मुद्रा बनानी है, मुद्रा बना के गहरी सांसें लेनी है, बाहर निकालनी है कम से कम 100 to 200 times, यानी 10 मिनट कम से कम, सुबह एक बार दोस्तों, शाम में एक बार, अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी हालत कैसी है। जिनका मगर उंगली टेढ़ा हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह हो के, वो ये प्रयोग को ज़्यादा ना करें, बल्कि वो क्या करें, ये पॉइंट वगैरह सारा दबाएं, उसके बाद ये मुद्रा करें। पहले भी एक वीडियो में बताया हूँ, जैसे ये दोनों पैर को हमारा रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों हाथ को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा ये दोनों हाथ को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा पैर को रिप्रेजेंट करता है। तो ज़्यादा घुटने वगैरह में दर्द है तो यहाँ पॉइंट दबाओ, ये दोनों में हाथ एल्बो वगैरह में पेन है यहाँ दबाइए और यहाँ दबाइए, रिस्ट में पेन है यहाँ दबाओ और यहाँ दबाओ, एंकल वगैरह में पेन होती है इस पॉइंट दोनों में दबाइए, उसी तरीके से इधर वाले में, ये हाथ में यहाँ घुटने के लिए, ये दोनों घुटने के लिए, ये आपका हो गया एंकल के लिए, यहाँ हो गया रिस्ट के लिए और ये हो गया आपका एल्बो के लिए, ये दोनों एल्बो, ये दोनों आपका नी है। तो इसको भी आप 20-20 बार के दबा सकते हो सुबह शाम, जिससे आपको दोस्तों तुरंत लाभ हो। और हाथ मुट्ठी बंद करना, खोलना, सांस अंदर लेना, बाहर निकालना, उसके साथ साथ जैसे भी हो मीठा छोड़ दो, स्वीट छोड़ो, चाय छोड़ो, छोड़ना ही छोड़ना है दोस्तों। जो डायबिटीज़ के लिए बताया हूँ कि आप दालचीनी और आपका अदरक वाला चाय पीने के लिए, उसमें बस आपको मिलानी है तुलसी का पत्ता, 5-7 तुलसी का पत्ता मिलाओ, थोड़ा सा आप अदरक ले लो और थोड़ा टुकड़ा दालचीनी ले लो, उबाल लो, जब आधा हो जाए तो चाय की तरह सुबह शाम पियो, जोड़ों का दर्द दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फटाफट करोगे, हफ्ता 10 दिन के अंदर दोस्तों रिजल्ट आएगा, आपके अंदर एंथो आएगा करने के लिए। खान पीन में खट्टा चीज़ बिल्कुल बंद कर दो, ठंडा चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए, फ्रीज वाटर बिल्कुल छोड़ो, ये जो कॉफ़ी चाय आपका कोल्ड ड्रिंक्स से बहुत ही दूर रहनी है, चावल वगैरह थोड़ा कम ले लीजिएगा, रोटी वगैरह ज़्यादा ले लीजिए और मल्टीग्रेन्स का आटा का इस्तेमाल करिए। इस तरीके से दोस्तों आप अपना हिफाजत कर सकते हो, करोगे तो दोस्तों पाओगे हर एक घंटे में एक गिलास आपको दोस्तों पानी पीनी है, नारियल का पानी हर 2 रोज में एक बारी जरूर पिए, इससे आपका जॉइंट पेन ठीक रहेगा, मसल्स ठीक रहेगा, नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, पेट भी साफ होगा दोस्तों, पेट ठीक जॉइंट्स ठीक, पेट ठीक आपका हर दर्द ठीक, हर बीमारी ठीक, यानी पेट को दोस्तों अच्छा रखना। इसलिए लास्ट में बताता हूँ गैस का पॉइंट इस तरीके से दबाइएगा, यहाँ 27 नंबर पॉइंट है, किताब को रेफरली आप इस्तेमाल करिएगा, मेरा जो किताब है, और ये सारा पॉइंट दोस्तों यहाँ है, 27 नंबर इधर है और यहाँ गैस की पॉइंट है, तो दोनों मिला के इस तरीके से आप दबाओगे तो आपका पेट भी दोस्तों ठीक रहेगा। लीवर, खाने के पहले लीवर पॉइंट जरूर दबाओ, ये राइट साइड में है लीवर, तो आप इधर दबाइएगा 50-100 बार, तो आपको दोस्तों खाना पचेगा। जिनका फैटी लीवर है, जिनका लीवर सोरियसिस है, वो भी दोस्तों ठीक हो जाएगा। लीवर अच्छा काम करेगा दोस्तों, हजम अच्छा होगा, पेट अच्छा रहेगा, जोड़ों का दर्द दोस्तों ख़त्म होगा। ना चलने वाला आदमी दौड़ सकता है दोस्तों, अगर उसके अंदर विल पावर है, तो इसलिए मैं अपना ये टॉपिक का नाम रखा हूँ कि जो ना चलने वाला बंदा वो दौड़ सकता है, ये मेरा वादा है। इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ, मगर एक चीज़ याद रखो, अगर एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग लेना चाहते हो डिजिटली, ये हमने पूरे 26 घंटे की देखो डिजिटल ट्रेनिंग आपके लिए तैयार की है, 8 DVD, 64 GB की पेन ड्राइव और रेफरली एक किताब, इसको साथ में रख लो दोस्तों, अस्पताल कोसों दूर रहेगा आपसे, दवाई घर नहीं घुसेगा, 10,000 रुपये हर महीने की बचत है दोस्त, और शरीर के अंदर जो दवाई जाने के कारण 100 बीमारी और अंदर एंट्री करते थे वो भी दोस्तों ख़त्म हो जाएंगे। मानोगे तो पाओगे, ऑनलाइन अमेजन पे तुरंत मंगाओ, हर चीज़ दोस्तों अवेलेबल है, ये सिर्फ आपको व्हाट्सअप करके हमारे पास से मंगाना है। 26 घंटे की एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम,
जो आपके जिंदगी को बदल सकता है, आपको अच्छा कैरियर भी दोस्तों दे सकता है। इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दोस्त आपका हम सफर डॉक्टर दरवेश फिर एक नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होगा। इसी बात के साथ यहीं पे रहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।